अब यहां पर देखिए अरिस्टोटल्स पोएटिक कॉन्सेप्ट, अरिस्टोटल का पोएटिक कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली होता क्या है, अरिस्टोटल ने एक वर्क लिखा पोएटिक, और ये वर्क पोएटिक्स जो इन्होंने लिखा है इसको अपने गुरु प्लेटो ने लिखा था द रिपब्लिक, यानी कि द रिपब्लिक के रिस्पॉन्स में अरिस्टोटल ने लिखा एक वर्क पोएटिक्स। देखिए सबसे पहले इनका लाइफ स्केच देखते हैं अरिस्टोटल का। अरिस्टोटल वॉज बॉर्न इन 384 BC एंड डाइड इन 322 BC। अरिस्टोटल का जन्म 384 बिफोर कॉमन एरा में हुआ, लेकिन इनकी जो डेथ हुई वो 322 BCE में हुआ। अरिस्टोटल वॉज अ फिलोसफर, अ साइंटिस्ट, टीचर एंड अ पोएट हु मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू लॉजिक, क्रिटिसिज्म, रेटरिक, फिजिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेटाफिजिक्स, इथिक्स एंड पॉलिटिक्स। देखिए अरिस्टोटल एक फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, टीचर थे, पोएट थे। इन्होंने लॉजिक, क्रिटिसिज्म, रेटरिक, फिजिक्स बिलोंग, फिजिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेटाफिजिक्स, एथिक्स और पॉलिटिक्स, इन सब पर इन्होंने फोकस किया, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया इन सब में। अरिस्टोटल हु वाज बॉर्न इन मैकडोनिया, अरिस्टोटल जिनका जन्म मैकडोनिया में हुआ था, अरिस्टोटल वाज बॉर्न इन मैकडोनिया, अरिस्टोटल का जन्म मैकडोनिया में हुआ, वो भी कब हुआ, 384 BC में हुआ, लेकिन डेथ हुई 322 BC में। He was a student of Plato for 20 years. अब अरिस्टोटल जो है ये 20 साल से प्लेटो के स्टूडेंट थे। अरिस्टोटल 20 साल से प्लेटो के स्टूडेंट बने रहे। अरिस्टोटल ज्वाइंड प्लेटोज एकेडमी एट द एज ऑफ 18। अब अरिस्टोटल ने 18 साल की ही उम्र से इन्होंने प्लेटो की एकेडमी को ज्वाइन कर लिया था। He is famous for rejecting Plato's theory of forms. और अरिस्टोटल ये ज्यादा फेमस हुए थे कि प्लेटोज की थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। जैसा कि प्लेटो का मानना ये था कि जितने भी पोएट होते हैं इन सबको समाज से फेंक देना चाहिए, ये सब पागल होते हैं और इमेजिनेशन में कुछ भी लिखते रहते हैं, लेकिन अरिस्टोटल ये कहते थे कि नहीं, इमेजिनेशन, अगर किसी चीज की पहले इमेजिन ही नहीं करेंगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए एरोप्लेन जिसने बनाया है, पहले उसने एरोप्लेन को इमेजिन किया होगा, उसके बाद में उन्होंने उस पर काम किया। इस तरह से ही इज फेमस फॉर रिजेक्टिंग प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। अरिस्टोटल इज ऑल्सो नोन एज द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब अरिस्टोटल को अलेक्जेंडर का ट्यूटर भी माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि अरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को ट्यूशन दिया था। लेटर ऑन बाद में इन हिज लाइफ, उनके लाइफ में ही इस्टेब्लिश्ड हिज ऑन एकेडमी एट एथेंस। बाद में अरिस्टोटल एथेंस में अपनी खुद की एकेडमी इस्टेब्लिश करते हैं एंड डिलीवर लेक्चर टू हिज स्टूडेंट्स, और अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हैं। अरिस्टोटल वाज प्लेटोज पीपल, अरिस्टोटल जो है प्लेटो का शिष्य था। ही डाइड इन यूवोया ऑफ नेचुरल कॉजेज, इनकी जो डेथ हुई थी यूवोया में हुआ था, वो भी नेचुरल कॉज मतलब जनरल डेथ हुआ था। अरिस्टोटल्स वर्क्स एंड स्टडीज, अब अरिस्टोटल का वर्क क्या है, स्टडीज क्या है, ये देखते हैं। ही हैड अमेजिंग पैशन फॉर लर्निंग एंड पजेस्ड मार्वेलस नॉलेज ऑन मल्टीडिसिप्लिन। देखिए अरिस्टोटल जो है ये कोई चीज सीखने की इनके अंदर बहुत ज्यादा पैशन था, और साथ में ये मल्टी डिसिप्लिन मतलब कई सारे नॉलेज को भी सीखे, बढ़िया अच्छी नॉलेज सीखते थे, मन लगाकर सीखते थे। हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेटाइजेज इंक्लूड फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, निकोमैकियम, एथिक्स, पॉलिटिक्स, डी एनिमा एंड पोएटिक्स। इनकी जो मोस्ट ट्रेटाइज हैं, इनकी वर्क हैं फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, पोएटिक्स, कई सारी हैं। एन इंट्रोडक्शन टू अरिस्टोटल्स पोएटिक्स, अब अरिस्टोटल ने जो पोएटिक्स लिखा उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। पोएटिक्स इज अ ट्रेटाइज ऑफ अबाउट 50 पेजेज, पोएटिक्स जो होता है ये लगभग 50 पेज का एक ट्रेटाइज वर्क है। कंटेनिंग 26 स्मॉल चैप्टर्स, जिसमें छोटे छोटे
चैप्टर सब मिलाकर 26 चैप्टर 26 स्मॉल चैप्टर हैं। मींस पोएटिक्स जो है इज अ ट्रेट आई जॉब अबाउट 50 पेजेस, पोएटिक्स में 50 पेज हैं लगभग, और इसके साथ में इसमें 26 स्मॉल चैप्टर्स हैं। पोएटिक्स हैज बीन द सेंट्रल डॉक्यूमेंट्स इन द स्टडी ऑफ एस्थेटिक्स एंड लिटरेचर फॉर सेंचुरीज सेंचुरीज। अब पोएटिक्स जो होता है ये सेंट्रल डॉक्यूमेंट यानी कि एस्थेटिक्स स्टडी में एक सेंट्रल डॉक्यूमेंट्स माना जाता है, और साथ में सेंचुरीज से लिटरेचर में इसको पढ़ाया जाता है। स्पेशली ड्यूरिंग द रिनेसा, खासकर रिनेसा टाइम में इसको बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था। एंड इन टूडेज स्कॉलरी सर्कल्स, और आज के स्कॉलरी सर्कल में अरिस्टोटल को जरूर पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन पोएट्री, यानी कि अरिस्टोटल का पोएट्री पर किस तरह से ऑब्जर्वेशन है। इट्स नेचर, नेचर की बात करें, अरिस्टोटल फर्स्ट कंसिडर्स द नेचर ऑफ द पोएटिक आर्ट। अरिस्टोटल सबसे पहले किसी पोएटिक्स आर्ट के नेचर को कंसिडर करते हैं। फॉलोइंग प्लेटो, और प्लेटो को फॉलो करते हुए ही कॉल्स द पोएट इन एन इमिटेटर लाइक अ पेंटर और एनी अदर आर्टिस्ट हु इमिटेशन वन ऑफ द थ्री ऑब्जेक्ट्स। और प्लेटो के की बातों को फॉलो करते हुए अगर कहें तो वो जो है प्लेटो साहब पोएट को एक इमिटेटर बोलते थे, जिस तरह से पेंटर होता है या आर्टिस्ट होता है, कोई देखकर वैसे छाप देता है, वैसे ये पोएट होते हैं। थिंग्स एज दे वर और आर, थिंग्स एज दे वर सेड और थॉट टू बी एंड थिंग्स एज दे ऑट टू बी। अकॉर्डिंग टू हिम पोएट्री इमर्ज फ्रॉम द ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू इमिटेट थिंग्स एंड द इंस्टिंक्ट फॉर रिदम एंड हार्मनी। ही सेज पोएट्री इज अ क्रिएचर एंड द पोएट रिप्रेजेंट्स लाइफ थ्रू हिज सबलाइन स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यहाँ अरिस्टोटल कहते हैं कि पोएट इज अ क्रिएचर्स, पोएट एक ऐसा पोएट इज अ क्रिएटर्स, पोएट एक प्रकार का क्रिएटर्स होता है जो कि अपने ऑब्जर्वेशन के स्किल के बेस पर, अपने इमेजिनेशन के बेस पर लोगों को उनकी लाइफ से उबरू करवाता है, मतलब मीन्स लाइफ की में जो भी चीजें होती हैं उसको एक इमेजिनेशन के थ्रू दिखाता है, लोगों को लगता है कि हाँ ये चीज मेरे भी साथ हो सकता है। फॉर हिम अ पोएट ऑब्जर्व्स लाइफ एज अ फर्स्ट पर्सन इन अ सब्जेक्टिव वे और एज अ थर्ड पर्सन इन एन ऑब्जेक्टिव वे और टैकिंग एन अदर पर्सनालिटी वॉचिज द इवेंट्स एज एन ऑब्जर्वर। पोएट्री डेट इमर्ज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इमिटेशन। इसके फंक्शन की बात करें, इट फंक्शंस। अरिस्टोटल डज नॉट मेक एनी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ पोएट्री। However, the function of poetry is to please the two instincts of imitation of harmony, of rhythm or pleasure. Therefore, the outcome of poetry should pleasing both the writer and the readers. या in short में कहा गया कि जो poetry का outcome होना चाहिए should be pleasing, वो ऐसा होना चाहिए, pleasing होना चाहिए, enjoyable होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए बोथ द राइटर एंड रीडर्स। मीन्स राइटर्स के लिए भी अच्छा होना चाहिए और रीडर्स के लिए भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, इट्स इमोशनल अपील। अरिस्टोटल आल्सो सीज लाइक प्लेटो डेट पोएट्री मेक्स एन इमीडिएट अपील टू द इमोशंस। टेकिंग ट्रेजेडी एज द हाइट फॉर्म ऑफ पोएट्री ही सेज डेट इट अराउजेज द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। पिटी फॉर सफरिंग हीरो, यहाँ पर पिटी तब आता है जब हीरो सफर कर रहा होता है, एंड फियर और डर तब होता है फॉर वर्स्ट, जब बहुत ज्यादा बुरा होता है हीरो के साथ। डेट मे बी फॉल इल, ही वाज नो फियर्स लाइक प्लेटो डेट अरिस्टोटल सेज दीज इमोशंस आर अराउज्ड विद अ व्यू टू देयर प्रगेशन और कैथारसिस। इन्होंने कैथारसिस का यूज किया है इन सारी चीजों का। एवरीबॉडी हैज ओकेजंस ऑफ हो ऑफ फियर एंड पिटी इन लाइफ। ये करें हर बॉडी के पास है ना, हर पर्सन के पास, हर व्यक्ति के पास लाइफ में फियर और पिटी आता ही है या आता रहता है। इट इज दिस डेट प्लीजेज इन अ ट्रेजिक टेल्स विच नॉर्मली इज पेनफुल। ये चीजें ट्रेजिक, यही चीजें मतलब कहीं किसी को प्लीज करता है, लेकिन वही ट्रेजिक टेल्स में बात करें, ट्रेजेडी में बात करें, तो नॉर्मली ये चीज पेनफुल होती है।
इन दिस परसेप्शन ट्रेजेडी ट्रांसम्यूट्स द डिस्टर्बिंग इमोशंस इन व्हाट मिल्टन कॉल्स कॉम ऑफ माइंड ऑल पैशंस स्पेंट. Thus Aristotle answers Plato that the emotional appeal of poetry is not harmful but health giving and artistically satisfying. ये कहते हैं कि ये जो poet लिखते हैं वो कोई harmful नहीं होता है, बल्कि कहीं ना कहीं वो useful ही रहता है. Aristotle finds six elements, six constituents parts in tragedy. Aristotle tragedy में six part निकालते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल अ ट्रेजेडी शुड हैव सिक्स एलिमेंट्स. वन इज ट्रेजेडी. ट्रेजेडी मस्ट है प्लॉट, ओ सॉरी, सिक्स एलिमेंट्स होना चाहिए. कौन कौन से हैं, सॉरी यार उल्टा बता दे क्या, ट्रेजेडी में सिक्स एलिमेंट्स होना चाहिए अरिस्टोटल के अनुसार. सिक्स के नेम है, पहला क्या है, प्लॉट माइथोस, प्लॉट इज ऑल्सो नोन एज माइथोस. कैरेक्टर्स डेट इज इथोस. थॉट डेट इज डायनोइया. एंड लैंग्वेज और डिक्शन डेट इज लेक्सिस. म्यूजिक मेलोपोइया. एंड सिक्स इज स्पेक्टिकल ऑप्सिस.